पूर्व सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से सांसद बनने में कामयाब हुए हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमा रहे थे और उन्होंने जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर से संसद की दहलीज पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। पप्पू यादव की जीत पर पटना में जश्न मनाना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता विकास यादव ने पप्पू यादव की जीत पर जश्न मनाते हुए जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार भी किया। देखिए क्या कह रहे हैं विकास यादव। पप्पू यादव का जीत हुआ है, न्याय का जीत हुआ है, सेवा का जीत हुआ है, आज एक लोकतंत्र का जीत हुआ है पूर्णिया में। पूर्णिया का बेटा का पप्पू यादव का जीत हुआ है, इसलिए आज होली दिवाली सब कुछ आज मन रहा है पप्पू यादव की खुशी में। पूरे बिहार में, पूरे भारत में इस जीत की खुशी पूरे ऑल ऑफ इंडिया में बन रहा है। कारण क्या है? न्याय, न्याय पुरुष। दिल्ली में उनका सेवा आश्रम चलता था जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंका था, इसलिए इस आज नरेंद्र मोदी के आगे जीत सबसे बड़ी पप्पू यादव के है। पूरे बिहार खुशी मना रही है, पूरा भारत खुशी मना रही है। हम लोग थोड़े से पिछड़ गए हैं, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। पूरे इंडिया में, भारत में नरेंद्र मोदी को पूरा जनता ने नकार दिया है। ये लोग आप लोग समझ चुके हैं। इस खुशी में क्या किया अभी आप? इस खुशी में हम लोग होली दिवाली आज सब कुछ मनाए हैं। मिठाई, लड्डू, पटाखे, सारे चीज़ आज बांटे गए हैं, क्योंकि आज दिल्ली में एक आवास खुलेगा, सेवा का आवास, जिसमें हर रोगियों का इलाज होगा, हर न्यायों का सेवा होगा, पूरा बिहार का सेवा होगा, और यह हर लोकसभा का जीत हुआ है। मेरा नाम विकास यादव बंसी,